पार्टी का एक साथ झारखंड के कई विधायकों व कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, अनूप सिंह, कारोबारी शिव शंकर सिंह के नौ ठिकानों पर एक साथ छापामारी। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है इनकम टैक्स की टीम। आयरन और कारोबारी राजकुमार शाह के कई ठिकानों पर आईटी की एक साथ दबीश। इनकम टैक्स के रेत से झारखंड के कारोबारियों में दहशत। कपाली में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया चोरी के मामले का खुलासा। माल के साथ चोरी में संलिप्त युवक गिरफ्तार। पड़ोस का ही युवक अरमान निकला शामिल। चोरी का सारा माल अरमान के घर से बरामद। पीड़िता शहनाज घटना के वक्त आई थी अपने संबंधी के घर भोलपुरी। एनआईटी जमशेदपुर का 12वां दीक्षांत समारोह 5 नवंबर को। कुल 1037 छात्र छात्राओं के बीच डिग्री और उपाधि बांटी जाएंगी। आरएसपी ग्रुप के चेयरमैन आर के बेहरा भी रहेंगे मौजूद। नए ब्रांच इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिकल कोर्स की शुरुआत इस वर्ष से होगी। आइए बात करते हैं आईटी द्वारा झारखंड में विधायकों और कारोबारियों के कई ठिकानों पर की जा रही छापामारी की। आयकर विभाग की कई टीमों ने झारखंड में एक साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव, कारोबारी शिव शंकर और जाने माने आयरन ओर के कारोबारी राजकुमार शाह के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। उन पर कर चोरी करने का संदेह किया जा रहा है। राजकुमार शाह के बिस्टुपुर, आदितपुर के कई ठिकानों पर आयकर का सर्वे चल रहा है। बताते चले कि शुक्रवार को राज्य में आयकर विभाग पूरे लय में दिखा। शुक्रवार सुबह जहां बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव, कारोबारी शिव शंकर यादव के नौ ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामारी की है। ये छापा प्रदीप यादव के उनके गोड़ा स्थित आवास पर पड़ा है। आईटी की टीम उनके घर में दस्तावेज खंगाल रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बेरमो और रांची आवास में इनकम टैक्स की छापामारी चल रही है। बेरमो विधायक के आवास पे आयकर विभाग की छापामारी की खबर सुनकर उनके आवास के सामने भारी संख्या में उनके समर्थक और मीडिया कर्मी जमा हो गए। काफी मशक्कत के बाद छापामारी टीम के एक अधिकारी ने कुछ जानकारी दी। वहीं जमशेदपुर के कारोबारी राजकुमार शाह के भी ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने राजकुमार शाह के बिस्टुपुर सर्किट हाउस एरिया स्थित आवास, कोटका स्थित शाह पंच कंपनी और आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्कोडा शोरूम में एक साथ दबिश दी है। उधर कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेट पड़ते ही शहर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आधे आधे दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारी के तीनों ठिकानों पर सर्वे कर रहे हैं। राजकुमार शाह हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में भी आरोपी हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड के चर्चित लौह आयसक कारोबारी उद्यमी राजकुमार शाह और शाह ब्रदर्स के जमशेदपुर, सरायकेला, कोटका, चाईबासा, कोलकाता, पटना, देवघर सहित विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी चल रही है। बताया जाता है कि ये छापामारी आयकर विभाग को हाल के दिनों में झारखंड में मचे सियासी तूफान खनन घोटाले से मिले झनपुट से जुड़ी है। जानकारी हो कि शाह ब्रदर्स झारखंड और चाईबासा का चर्चित लौह आयसक कारोबार में जाना पहचाना चर्चित प्रसिद्ध नाम है। शाह ब्रदर्स के पोटका में शाह स्पंज प्लांट और पश्चिमी सिंहभूम जिला में शाह ब्रदर्स का करमपदा माइंस है। इसके साथ ही जमशेदपुर, कोलकाता में महंगी गाड़ियों की शोरूम है। कई शहरों में उनके कारोबारी रिश्ते हैं। चाईबासा के दोनों स्थानों, राजकुमार शाह के आवास श्री सदन और सदर बाजार स्थित कार्यालय में आयकर विभाग के दर्जन भर अधिकारियों की जांच टीम कर रही है। बात करते हैं कपाली में चोरी के मामले के खुलासे के साथ साथ अपराधी की गिरफ्तारी व माल बरामदगी की। कपाली ओपी क्षेत्र के बंधुगोड़ा में गुरुवार की रात्रि को शहनाज बेगम के घर का ताला तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाई और चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। बताते चले कि बीती रात शहनाज बेगम के घर का ताला तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने स्वर्ण एवं चांदी के जेवरात, 3 कलाई घड़ी समेत करीब 1.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली थी। सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। एसडीपीओ संजय सिंह के निर्देश पर ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापामारी कर कपाली के सफरुद्दीन मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तलाशी के दौरान उसके घर से चोरी किया गया जेवरात और अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। चांदिल एसडीपीओ संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया तथा चोरी की गई सामग्री की बरामदगी कर ली। उन्होंने बताया कि गुरुवार को शहनाज बेगम जमशेदपुर के गोलपुरी स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। शुक्रवार की सुबह जब वे घर पहुंची तो देखा कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है, घर के अंदर का सारा सामान बिखरा है तथा आभूषण एवं अन्य सामग्री गायब है। उसके बाद शहनाज बेगम ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। घटना है बीते रात्रि बांधुगोड़ा में एक गृहभेदन की घटना हुई थी, जिसमें घर वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी काम से गोलमुरी गए हुए थे और इसी दौरान जो है रात्रि में चोर ने घर में प्रवेश करके उनके घर से सभी जेवरात और जो भी महंगे सामान थे तकरीबन 1.5 लाख रुपये के सामान की चोरी कर ली थी। इसकी सूचना अगले सुबह कपाली ओपी को दी गई और इस संबंध में चांदिल कपाली थाना कांड संख्या 264 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पति प्रभारी ने अपने अन्य अधिकारी के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें इसमें शामिल अभियुक्त मोहम्मद अरमान को चोरी गए सारी सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें सोने के गहने हैं और चांदी के गहने हैं, कीमती घड़ी है, सभी सामान। आगे बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर कक्षा 12वीं का आयोजित होने जा रहे दीक्षांत समारोह की। एनआईटी जमशेदपुर कक्षा 12वीं का दीक्षांत समारोह 5 नवंबर को संस्था के जिमखाना परिसर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के सीईओ सह एमडीटीवी नरेंद्रन शामिल होंगे, जिसमें कुल 1037 छात्र छात्राओं के बीच डिग्री और उपाधि बांटी जाएंगी। एनआईटी जमशेदपुर के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के सीईओ सह एमडीटीवी नरेंद्रन शामिल होंगे। वहीं वशिष्ठ अतिथि के रूप में आरएसपी ग्रुप के चेयरमैन आर के बेहरा भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक प्रोफेसर के शुक्ला ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 1037 छात्रों के बीच डिग्रियां बांटी जाएंगी, जिनमें अंडर ग्रेजुएट के 643, पोस्ट ग्रेजुएट के 366 और पीएचडी के कुल 28 छात्र शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में कुल 671 छात्रों के शामिल होने की सहमति है। निदेशक के शुक्ला के कार्यकाल में ये 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जबकि संस्था का ये 12वां वार्षिक दीक्षांत समारोह है। एनआईटी के 12वें दीक्षांत समारोह में अंडर ग्रेजुएट सिविल ब्रांच की टॉपर छात्रा हंसा कुमारी और एनसीए की छात्रा दिव्यांशी अग्रवाल को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 23 टॉपर छात्रों के बीच सिल्वर मेडल बांटे जाएंगे, जिनमें 14 छात्राएं शामिल हैं। के शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में नए ब्रांच इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिकल कोर्स की शुरुआत की गई है, जिनमें 30 सीट है और ये कोर्स आरआईटी दिल्ली के तर्ज पर प्रारंभ किया गया है, जिनमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि संस्था में वर्तमान समय में 35 विषयों पर छात्र रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत 560 लाख रुपीज है, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्टाइपेंड है। प्रेस वार्ता में संस्था के निदेशक के शुक्ला के साथ रजिस्ट्रार कर्नल एन के राय, प्रोफेसर अमरेश कुमार, प्रोफेसर एम हसन मौजूद रहे। क्वेश्चन की पूरी तैयारी कर ली गई है, आज 3 बजे से रिहर्सल होगा, इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स वो भाग ले रहे हैं और हमारे फैकल्टी जो सीनेटर्स हैं वो भाग लेंगे, रिहर्सल करेंगे। कल 11 बजे से फिर वो कन्वोकेशन शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे सीईओ एंड एमडी टाटा स्टील श्री टीवी नरेंद्रन जी हैं और सम्मानित अतिथि श्री आर के बेहरा जी चेयरमैन आरएसबी ग्रुप के हैं। वो 11 बजे से कन्वोकेशन शुरू होगा, उसमें अंडर ग्रेजुएट के 643 और पोस्ट ग्रेजुएट के 366 और 28 पीएचडी धारकों को डिग्री प्रदान की जाएगी, 2 गोल्ड मेडल जो अंडर ग्रेजुएट के ओवरऑल टॉपर और पोस्ट ग्रेजुएट के ओवरऑल टॉपर को दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट के ओवरऑल टॉपर सिविल इंजीनियरिंग विभाग की हंसा कुमारी जी हैं और पीजी की ओवरऑल टॉपर एमसीए की दिव्यांशी अग्रवाल जी हैं, तो दोनों
लड़कियां इस बार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में टॉप की हैं और हर ब्रांच के टॉपर को सिल्वर मेडल देंगे, कुल 23 सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो हमारा कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होके लगभग 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से सभी डिग्री धारकों का और जो भी हमारे अतिथि होंगे सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। फिर हम लोग आइए बात करते हैं आज के मरीज के मुफ्त इलाज के लिए लगाई गई सरकार की अनोखी योजना की। जमशेदपुर हाट के मरीजों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनोखी योजना लाई गई है, जिसे देखते हुए रांची के रिम्स में 3 दिवसीय हार्ट चेकअप शिविर लगने जा रहा है। चिन्हित किए जाने वाले मरीजों के हार्ट का मुफ्त इलाज होगा। बताते चले कि झारखंड सरकार द्वारा हार्ट के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए एक अनोखी योजना लाई गई है। राज्य भर के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के हार्ट के मरीजों की पहचान कर चेकअप के लिए रांची भेजे, जिन्हें हार्ट के इलाज की जरूरत है। जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन ने भी कई वैसे मरीजों को चिन्हित किया है जिनके हार्ट में कुछ न कुछ परेशानी है। आज जमशेदपुर के सर्वेलेंस कार्यालय से सभी मरीजों को रांची के लिए रवाना किया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि सरकार की एक अच्छी योजना है जिससे गरीब लोगों के हार्ट की परेशानियों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तकरीबन 20 से 21 मरीजों को रांची रिम्स के लिए रवाना किया जा रहा है। सभी मरीज 108 एम्बुलेंस से रांची के लिए भेजे गए हैं, जहां उनका मुफ्त में हार्ट का इलाज हो पाएगा। सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो हार्ट के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, जिनको कितना कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोगों को रिम्स भेजना है, बच्चों से लेके आगे ऊपर जितने भी एज ग्रुप तक, ताकि वो वहाँ पर स्क्रीन कर सकें और बता सकें कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर बेहतर इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कराना चाहती है। इससे एक ही अच्छी बात है कि सरकार के जो स्वास्थ्य की जो योजना है वो धरातल तक पहुँची, हर इंसान तक पहुँची। किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने में कामयाब हो जाएं, ताकि वो बीमारी से इंसान जो है निजात पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों जिनको अगर प्रॉब्लम्स है, तो वो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमको कॉन्टैक्ट करें, ताकि उसको 3 दिन में, 4, 5, 6 तो 3 दिन है, हम 3 दिन में उसको वहाँ रांची रेंज भिजवा सकें, ताकि इलाज उसका हो सके और जो बेहतर इलाज है वो हो सके। चिन्हित तो बहुत सारे लोग हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे पास प्रैक्टिकली 15 से 20 लोग अभी पहुँचे हैं जिनको अभी भेज रहे हैं, और इसी तरह और लोग भी होंगे तो उनको भेजते रहे। आइए बात करते हैं रिटायर्ड पुलिसकर्मी स्वर्गीय नवल किशोर मिश्रा के घर बीती रात हुई चोरी की घटना की। एमजीएम थाना अंतर्गत आनंद विहार कॉलोनी रोड नंबर 4 में रिटायर्ड पुलिसकर्मी स्वर्गीय नवल किशोर मिश्रा के घर से बीती रात आभूषण व कुछ नकद रुपए की चोरी हो गई। आज सुबह चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही एमजीएम पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल नवल किशोर मिश्रा के पुत्र पंकज मिश्रा अपने परिवार के साथ आनंद विहार कॉलोनी में रहते हैं। 2 दिनों से पंकज मिश्रा और उनका पूरा परिवार रांची गया था। इस बीच चोरों ने मौका ताड़ा और ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार को रांची से लौटने के बाद पंकज मिश्रा ने देखा कि उनके घर का ताला टूटा है और घर के अंदर का सारा सामान बिखरा है। पंकज मिश्रा के अनुसार अलमारी का लॉकर तोड़कर आभूषणों की चोरी की गई है। इसके अलावा कुछ फर्नीचर और बैटरी के साथ इन्वर्टर भी चोर ले गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही एमजीएम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजू ठाकुर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी जांच करेगी। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने दावा किया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी हुई है, क्या चीज की? गहना और सामान, कुछ इन्वर्टर बैटरी। कहाँ गए थे आप लोग? बाहर गए थे रांची। कितने दिनों से? 2 दिन। क्या क्या चीज़ चोरी हुई है? गहना वगैरह चोरी हुआ, अभी तो सामान बहुत सारा बिखरा पड़ा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या क्या चोरी हुआ। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ और? और कुछ तो नहीं पता मेरे को। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ होगा? वही 3-3.5 लाख। आगे बात करते हैं आयकर विभाग द्वारा चलाए जा रहे करप्शन मुक्त भारत अभियान की। करप्शन मुक्त भारत अभियान को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर सर्कल के आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वॉकेथॉन का आयोजन किया और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में सहयोग की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर शशीर धमीजा ने बताया कि इस वॉकेथॉन का उद्देश्य लोगों को इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें।
उन्होंने बताया कि उनके टैक्स पे करने से देश के विकास को गति मिलती है। विभाग को करप्शन मुक्त बनाना एवं लोगों को करप्शन के प्रति जागरूक करना ही इस वॉकेथॉन का उद्देश्य है। ये सतकर्ता रैली बिष्टुपुर इनकम टैक्स ऑफिस से निकलकर जुबली पार्क होते हुए वापस ऑफिस पहुंची। इसमें तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी हाथों में बैनर, पोस्टर और स्लोगन लिखे तख्तियां लिए जागरूक करते नजर आए। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 2022 में। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो हम लोगों के भविष्य की कल्पना है कि एक समृद्ध और जागरूक भारत बनाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्लेज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा सप्ताह हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। सबसे पहले एक शपथ ली है सब ने कि हम लोग ना तो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे और ना कि उसका कुछ आगे किसी को करने देंगे अपने सामने। साथ ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि आने वाले समय में अपना कार्य करते समय जितने भी मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए हमने सेमिनार भी किया, अपने स्टाफ को जागरूक भी किया है और आज उसी श्रृंखला में हम लोग ये वॉकेथॉन कर रहे हैं। साथ ही हमने जितने हमारे वेंडर्स हैं उन सब से भी प्लेज लिया है कि आप लोग जो है करप्ट फ्री प्रैक्टिसेस अपनाएंगे और हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो भी हैं, मापदंड जितने भी हैं भारत सरकार के, उनको फॉलो करते हुए अपना कार्यकलाप करेंगे। बात करते हैं जमशेदपुर के ध्यान पब्लिक स्कूल में एनुअल अचीवर अवार्ड सेरेमनी के आयोजन की। जमशेदपुर के ध्यान पब्लिक स्कूल में आज 4 नवंबर को एनुअल अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां परीक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष इस तरह का आयोजन कर स्कूल प्रबंधन छात्रों के उत्साह को बढ़ाता है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले के अलावा यहां खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को नेशनल CISCE स्पोर्टिंग इवेंट मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कुल 12 छात्रों को यहां सम्मानित किया गया। राष्ट्र स्तर पर स्कूली प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बॉक्सिंग में अवानी कुमारी, खो खो में नेहा कुमारी, योगा में राजकुमार सिंह और आदित्य कुमार सिंह को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं 2021 में स्कॉलरशिप पाने वाले ICSE में साइंस से नास प्रवीण, कॉमर्स से पलक वर्मा, ISC में आशीष कुमार और कॉमर्स से एकता केसरी, 2022 में ICSE सुमित कुमार चौधरी साइंस में और आदित्य कुमार सिंह कॉमर्स से, ISC में आदित्य राज साइंस से और रिया गुप्ता कॉमर्स से को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए हमारा मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टूडेंट को फेलिसिटेट किया गया एंड उनको कुछ कैश प्राइज हम लोग देते हैं जो जो टॉपर्स एंड अचीवर्स। 2015 से हम लोग स्टार्ट किए थे, हर साल हम लोग एकेडमिक्स में देते थे, ये साल से हम लोग स्टार्ट किए स्पोर्ट्स में भी देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा स्कूल का जो कि नेशनल गोल्ड मेडल लेके आते हैं, नेशनल एनी मेडल गोल्ड सिल्वर, उनको हम लोग आज तक नहीं किए थे, ये साल से हम उनको भी स्कॉलरशिप देना शुरू किए। कुल कितने हैं टोटल? हम लोग 12 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।